गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द लेक्चर नंबर 18। अभी तक आपने सीपीसी की जितनी बेसिक चीजें आप कवर कर चुके हैं, आज हम लेक्चर 18 में कवर करने वाले हैं ऑर्डर 1 को। इससे पहले कि मैं ऑर्डर 1 स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ चीजें जो हमने पहले बेसिक एक सिविल जुडिशियल सिस्टम को समझा था उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सिविल जुडिशियल सिस्टम अगर आपने समझ लिया तो आपने सीपीसी को समझ लिया। होता क्या है कि तो भाई दो इंडिविजुअल होंगे तभी क्या होगा, उनके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होगा, यानी किसी का राइट क्या हुआ, इन्फ्रिंज हुआ। जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ उसको हम क्या कह देते हैं, प्लेंटिफ। और जिसने राइट इन्फ्रिंज किया उसकी क्या अराइज होगी, इसकी लाइबिलिटी अराइज होगी, इसे हम क्या देते हैं, डिफेंडेंट। अब प्लेंटिफ की जब राइट इन्फ्रिंज होते तो ही अप्रोच टू दी कोर्ट, कोर्ट में जाने के लिए ही नीड सम एडवोकेट, सम प्लेडर, एंड थ्रू एडवोकेट ही विल फाइल अ प्लेंट। और जब इसका प्लेंट प्रॉपर सबमिट हो जाता है एज पर सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4, ये हम कवर कर चुके हैं, डुप्लीकेट में जाना है, एफिडेविट साथ लगना है। अब जब प्लेंट आपने वहां दे दिया, आपको एक सिविल सूट नंबर मिल गया, इट मींस योर सूट इज फुल्ली इंस्टीट्यूटेड। सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद आप अपने एविडेंसेस दोगे, वो अपने एविडेंसेस देगा, एंड अ डिक्री विल कम, जजमेंट विल कम, एंड आफ्टर जजमेंट डिक्री विल कम, बिकॉज डिक्री ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट, जजमेंट के बाद डिक्री आती है। तो ये एक प्रोसीजर था। अब इस प्रोसीजर में दो चीजें आप ध्यान से देखिए कि अगर ये दो इंडिविजुअल नहीं होते तो क्या ये केस बनता, क्या इनके बीच में कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता, और जब भैया कॉज ऑफ एक्शन ही अराइज नहीं हुआ तो आपका केस चलेगा कैसे। सो दीज टू पर्सन आर द पार्टीज टू द केस, एंड पार्टीज टू सूट इज आवर ऑर्डर 1। यही तो आपका ऑर्डर 1 है, जहां आप रूल 1 से लेकर के रूल 13 तक पढ़ेंगे। पहले एग्जाम पर्पज के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका रूल 8 है, ऑर्डर 1 का रूल 8 को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, बिकॉज ये आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। अब सबसे पहले आते हैं, देखिए हमने बात की कि एक पार्टी आपकी होती है यहाँ पे और दूसरी पार्टी होती है यहाँ पे, इसको आपने कहा प्लेंटिफ और इसको आपने क्या नाम दे दिया, डिफेंडेंट। अब यार हु कैन बी प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन हो सकता है, जिसका राइट इंफ्रिंज हुआ। और यही बात यहाँ पे कही गई है रूल में कि हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ्स, हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ्स मींस द प्लेंटिफ कैन बी वन पर्सन और मोर, द राइट मे बी इंफ्रिंज्ड ऑफ सम वन सिंगल पर्सन और सम ग्रुप ऑफ पर्सन। सो द हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ, ऑल द पर्सन मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज प्लेंटिफ्स, कहां पे, जहां पे कोई भी राइट या रिलीफ जो उन लोगों ने मांगा है, अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन ऑफ सीरीज। भाई क्या हुआ कि मिस्टर बी ने यहां पे इससे भी पैसा लिया, इससे पैसा लिया, इससे पैसा लिया, इससे पैसा लिया, अब ये एक ही ट्रांजेक्शन के शिकार हो गए सारे, तो ऑल दीज आर प्लेंटिफ, दे विल सू द मिस्टर बी डिफेंडेंट फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, तो सारे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये व्यक्ति अलग अलग मुकदमा लेकर आए तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइम नहीं है कोर्ट के पास, लॉ में टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर सेपरेट सूट लाते तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्टराइज होता। सो क्या किया जाता है, आपने जनरली भी देखा होगा कि मान लीजिए कोई दो इंडिविजुअल अलग से केस लेकर आ गए, ये और ये, ये केस 1 है, ये केस 2 है। अब कोर्ट को लगता है कि सेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोर्ट क्या करता है, क्लब कर देता है दोनों, ऐसा आपने बहुत बार प्रैक्टिकली देखा होगा। तो कौन ज्वाइन कर सकता है, मल्टी, एक से ज्यादा लोग प्लेंटिफ बन सकते हैं। अब आती है कि क्या ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये सारे बन गए प्लेंटिफ, केस कर दिया अगेंस्ट मिस्टर डी के, डिफेंडेंट के। अब यहाँ पे जब कोर्ट में मैटर पहुंचता है तो कोर्ट देखता है कि यार ये तो सही नहीं है, इनमें से जो ये व्यक्ति हैं दो बी और सी, ये डिले कर देंगे जस्टिस को। सो वेर इट अपियर्स टू द कोर्ट दैट एनी ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ मे एम्बैरेस और डिले द ट्रायल, कोर्ट मे पुट द प्लेंटिफ टू द इलेक्शन, या तो प्लेंटिफ को क्या कहेगा कि भाई देखो छांट लो किसको रहना है, या फिर एक ऑर्डर दे देगा कि भैया सेपरेट ट्रायल। इन सी पी सी देयर इज द इनहेरेंट पावर इन द कोर्ट, ईच एंड एवरी कोर्ट, सिविल कोर्ट, आपके सी आर पी सी में क्या होता है, इनहेरेंट पावर्स कहाँ जाती हैं, सिर्फ हाई कोर्ट के पास, बट सीपीसी में सभी के पास।
तो कोर्ट कभी भी फॉर द सेक ऑफ जस्टिस ऐसा आदेश पारित कर सकता है। ठीक है जी, एक पार्टी हमारी तैयार हो गई, दूसरी पार्टी को तैयार करते हैं। दूसरी पार्टी कह रही है कौन? डिफेंडेंट। हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट? ऑल द पर्संस, सभी कर सकते हैं। सभी क्या, सभी चले क्या? सभी नहीं। कौन कर सकते हैं? कंडीशन क्या है कि जहां पे जो राइट और रिलीफ है, अब यह उल्टा है कि डी के साथ ए ने, बी ने, सी ने और डी ने सेम ट्रांजेक्शन में गलत किया है। ठीक है, ये सब ने ज्वाइंटली गलत किए, इसके साथ सारे प्रॉपर्टी डीलर तो मिलकर गलत कर दिए, सबके खिलाफ केस किया जा सकता है। और अगर मान लो डी एक अलग अलग मुकदमा लेकर आए, डी वर्सेस ए, डी वर्सेस बी, डी वर्सेस सी, इन दैट केस क्या है? कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ। बस जो प्लेंटिफ वाली थी उसको यहाँ पे आपको रिवर्स कर देना है। लेकिन यह एक चीज ऐड की गई 1976 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें सेक्शन 3 इंसर्ट किया गया, क्योंकि डिफेंडेंट के मामले में सेपरेट ट्रायल का प्रोविजन पहले नहीं था। तो 1976 के अमेंडमेंट को मैं इसीलिए बोलता हूँ कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। यहाँ कोर्ट को दिया गया कि जब डिफेंडेंट भी, जैसे रूल 2 में लग रहा था आपको, अगर वो लग रहा है कि वो एम्बैरेस करेंगे, डिले करेंगे फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये लाइन रट लेना, इसमें क्या कर सकते हैं? सेपरेट ट्रायल। 3A कब इंसर्ट हुआ? 1976 से। ठीक है, और 1976 की जो है कब से इन्फोर्स हुई थी? तो 1 फरवरी 1977 से इंसर्ट हुई है, ये आपको याद रखना है। 1976 के अमेंडमेंट कब से लागू हुई? 1 फरवरी 1973 से। नेक्स्ट आते रूल 4 पे। कोर्ट मे गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ज्वाइंट पार्टीज। अब भैया कोर्ट क्या कर सकता है? मान लीजिए मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, इन्होंने का किसके खिलाफ केस हुआ? ई के, एफ के, जी के, चलो ये और एच को भी मिला लेते हैं, चलो ठीक है। अब प्लेंटी भी अगर से एक से ज्यादा है, डिफेंडेंट भी एक से ज्यादा है। नाउ इट इज डिपेंड अपॉन द कोर्ट्स डिस्क्रिशन, अगर उसको जजमेंट जब देगा आफ्टर एप्रिशिएशन ऑफ द एविडेंस, व्हेन द कोर्ट प्रोनाउंस द जजमेंट, कोर्ट मे गिव जजमेंट इन फेवर ऑफ ए, सी और डी, बी के फेवर में कुछ भी रहते। इट मे गिव जजमेंट अगेंस्ट ई, जी, एफ और एच के अगेंस्ट में कुछ ना दे, तो एक या एक से ज्यादा के जजमेंट में दे सकता है। फॉर सच वन और मोर प्लेंटिफ एज मे बी फाउंड एंटाइटल टू रिलीफ। भैया कोर्ट को लगा कि ए, सी और डी रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड है, बी नहीं है, नहीं दिया बी को कुछ रिलीफ। अगेंस्ट वन और मोर, अब उसे लगा कि ई और जी को ही लाइबिलिटी बनती है, एफ और एच की नहीं बनती, तो ये आपका सेक्शन 4 बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया है। 5, डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ इन क्लेम। भाई देखो जरूरी नहीं है कि ई, एफ, जी और एच, हो सकता है ई जो है हमने रिलीफ मांगा R1, R2, R3, अब ई जो है R1, R2 के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जी जो है तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि एक डिफेंडेंट सभी रिलीफ के लिए वो हो या एक प्लेंटिफ सभी के लिए इंटाइटल्ड हो, दोनों चीजें दोनों पे वाइस वर्सा लागू होती हैं। ज्वाइंट ऑफ पार्टी लाइबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। अब प्लेंटिफ क्या है? अपने ओपिनियन से उन पार्टीज को ज्वाइन कर सकता है जहां पे सबने ज्वाइंटली क्या किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, ये सब इसमें कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंक्लूड है। हम उन्हीं पर ज्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 7, When plaintiff in doubt from whom redressal is to be sought, भैया आपको मिस्टर ए को क्या हुआ? मिस्टर ए को जाना था कोर्ट, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं रिलीफ बी से लूँ, सी से लूँ, डी से लूँ या ई से लूँ, तो ए ने क्या किया, सबको पार्टी बना दिया। कोर्ट को जिससे ठीक रहेगा रिलीफ दे देगा, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? मान लीजिए आप किसी एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप देख लेना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। अब बिल्डर थे मिस्टर सी, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर साहब, अब उन्होंने यहाँ प्रॉमिस किया था कि ये इस सोसाइटी में एक पार्क देंगे, हर घर में आर ओ लगवाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो पूरी सोसाइटी इसके ऊपर केस कर देती है। अब मान लो सोसाइटी में रहते हैं अराउंड 50 रेजिडेंस, अब 50 जो रेजिडेंस है वहाँ के, अब ये सारे के सारे कोर्ट जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। इन दैट केस ये अपनी तरफ से आप जैसे किसी पढ़े लिखे को या आपके साथ किसी एक या दो व्यक्ति क्या करेंगे, भाई अपॉइंट कर दें, हमारी तरफ से तुम लड़ो, हम एफिडेविट दे देते हैं,
तो ये दो क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट में कुछ लिमिट हो गई भाई, देखो राइट 50 लोगों का है, भाई प्लेंटिफ के तौर पे दो लोग आ रहे हैं, लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो इन दो व्यक्तियों को ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगी, ये अपनी मर्जी से केस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, पैसे लेके कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो बाकी 48 तो मारे गए बेचारे, ये अपनी मर्जी से कोई ऐसी चीज नहीं दे सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसके लिए सबकी सहमति होना जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव सूट को और अच्छे से हम समझते हैं ब्लैंक पेज पे, ये आ गया ब्लैंक पेज। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव सूट, अब रिप्रेजेंटेटिव सूट में मिस्टर ए और मिस्टर बी ऑन बिहाफ ऑफ 50 अदर्स ये लिखा जाता है, मिस्टर ए एंड बी ऑन बिहाफ ऑफ 50 अदर्स, 50 अदर्स यानी ए और बी भी पार्टी और 50 और लोग उसमें पार्टी है, वर्सेस कोई डिफेंडेंट होगा, ठीक है ये डिफेंडेंट साहब है हमारे, इनके ऊपर केस हो जाता है। तो भैया ए और बी यहां किस करेक्टर में है, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर जो आपका ऑर्डर 23 है विड्रॉल ऑफ सूट, वहां पे कोर्ट की परमिशन के बिना विड्रॉ नहीं कर सकते, कोर्ट की परमिशन के बिना एडीआर में नहीं जा सकते, यानी कुछ भी करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की भी, और कोर्ट सबको नोटिस देगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो 50 लोग कोर्ट में जाएंगे ना, तो कोर्ट में इतनी जगह होती है ना कोर्ट का इतना टाइम होता है, सो इन दैट केस आपका रिप्रेजेंटेटिव सीट का प्रोविजन लाया गया। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूं, हम कहते हैं पार्टीज टू सूट, यही पढ़ रहे हैं हम। अब पार्टीज टू सूट के अंदर पार्टी कैसी कैसी होती है, एक होती है आपकी नेसेसरी पार्टी और एक होती है आपकी प्रॉपर पार्टी, एक होता है आपका परफॉर्मा डिफेंडेंट, ये टर्म है जो आपको बता रहा हूं, परफॉर्मा प्लेंटिफ। अब नेसेसरी पार्टी का क्या मतलब है, प्रॉपर पार्टी का क्या मतलब है, नेसेसरी पार्टी क्या है कि एग्जांपल से समझिए, आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में क्या है कि भैया डॉक्टर साहब वहां प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ स्टाफ नर्स है। अब आपका ऑपरेशन होना है, स्टाफ नर्स आपको फर्स्ट एड दे सकती है, आपकी सर्जरी नहीं कर सकती, उसके लिए डॉक्टर चाहिए, तो डॉक्टर यहाँ पे नेसेसरी पार्टी है। प्रॉपर पार्टी वो है जिसकी अगर नर्स भी रहेगी तो ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा, यानी कि जिसकी सपोर्ट से काम अच्छे से हो जाए वो प्रॉपर पार्टी। इन टर्म ऑफ सिविल सूट क्या हुआ कि भैया नेसेसरी पार्टी के बिना आप जजमेंट दे ही नहीं सकते हो। प्रॉपर पार्टी का क्या है कि अगर प्रॉपर पार्टी रहेगी तो इफेक्टिव जजमेंट आ जाएगा, नहीं रहेगी तो जजमेंट फिर भी आ जाएगा बट इट मे नॉट बी दैट मच इफेक्टिव, यानी इसके बिना काम चल सकता है, नर्स के बिना डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है। सो नेसेसरी पार्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब परफॉर्मा डिफेंडेंट या प्लेंटिफ यानी कि परफॉर्मा पार्टी, परफॉर्मा पार्टी वो होते हैं जिनसे कोई रिलीफ आउट नहीं किया गया है, परफॉर्मा डिफेंडेंट से कोई रिलीफ आउट नहीं किया गया बट उसकी प्रेजेंस फॉर द इफेक्टिव हियरिंग रिक्वायर्ड है, उससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन कोर्ट को वो चाहिए कि इफेक्टिव हियरिंग हो सके, इसीलिए उसको परफॉर्मा पार्टी कहा जाता है। अब एक बार डायरेक्ट रीडिंग करेंगे, अब देखिए रूल 8 क्या कहता है, वन पर्सन मे शू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट, ये तभी होगा जब सेम इंटरेस्ट पे, ये नहीं है कि दो लोग कुछ और चाहते हैं, तीन लोग कुछ और चाहते हैं, चार कुछ और चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, रिलीफ शुड बी सेम। फेयर देर आर न्यूमरस पर्सन हैविंग सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, जब बहुत सारे लोगों का एक ही मुकदमे में सेम इंटरेस्ट होता है। वन और मोर सच पर्सन मे विद परमिशन ऑफ द कोर्ट श्योर टू बी शूड और मे डिफेंड सच सूट ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पर्सन सो इंटरेस्टेड, मैंने आपको क्या बताया उसमें से एक या एक से ज्यादा, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में एक से ज्यादा भी और एक भी हो सकता है।
अब कोर्ट मे डायरेक्ट दैट वन और मोर सच पर्सन मे शू, अब ये कोर्ट की परमिशन से होगा। अब यहां देखिए वर्ड यूज हुआ मे, इट मींस कोर्ट हैज डिस्क्रिशनरी पावर, मना भी कर सकता है, और मे डिफेंड, ये दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है, प्लेंटिव की साइड से भी डिफेंडेंट की साइड से भी। सब रूल टू कहता है कोर्ट सेल इन एवरी केस वेयर अ परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन अंडर सब रूल वन। अब आप ध्यान से देखिए इसी लाइन में आपको चीज डिफाइन कर दी कि क्या रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए, तो आपको आंसर यहां से क्या मिला, यस। जब आप इन दो चीजों को पढ़ते हैं, वन सब रूल वन और बी और सब रूल टू, तो वहां से आपको पता लगता है कि भैया परमिशन होनी चाहिए। और परमिशन पे क्या है, प्लेंटिव के एक्सपेंस पे नोटिस दिए जाएंगे कि जितने लोग को इंटरेस्टेड है, भैया आप सब पार्टी बन रहे हो, ठीक है, ये अगर नहीं पॉसिबल है तो भैया पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करा देंगे, न्यूज़पेपर में दे देंगे, लेकिन विदाउट गिविंग नोटिस ये जो है सूट फाइल नहीं होगा। अब थर्ड कहता है कि एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट सूट इज इंस्टीट्यूटेड, वे कोई भी व्यक्ति जो उनमें से जिनके बिहाफ पे केस हुआ है, अंडर सब रूल वन मे अप्लाई टू कोर्ट। अब मान लीजिए वो उनमें से क्या कहा कि ए और बी को बनाया था एंड 50 अदर्स, एस 50 में से जो 46 नंबर पे थे मिस्टर वेदलाल मेहता, अब उनका मन हुआ कि हम भी पार्टी बनेंगे, तो वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, साहब हम भी रहे ऊपर ही, हमारी भी जान पहचान बनाओ। सब रूल फोर कहता है कि नो पार्ट ऑफ द क्लेम और एनी सच सूट शैल बी अबंडन्ड अंडर सब रूल वन एंड नो सच सूट शैल बी विड्रॉन सब रूल थ्री ऑफ रूल वन ऑफ ऑर्डर 23। मैंने आपको बताया कि ऑर्डर 23 विड्रॉल ऑफ सूट में आप ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते कि आधा मुकदमा ले लिया पूरा विड्रॉ कर लिया, ना ही कोई एग्रीमेंट कर सकते अकेले आप, ना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भैया उसमें और लोगों का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो सभी का क्या करना पड़ेगा, नोटिस देने पड़ेंगे प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे। वेयर एनी पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग इन एनी सच सूट डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिलीजेंस, अब मान लीजिए मिस्टर ए और बी को बनाया तो था हमने प्लेंटिफ, अब लेकिन दोनों मौज काट रहे हैं, खर्चा पानी ले रहे हैं सबसे और काम नहीं कर रहे हैं, ड्यू डिलीजेंस नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकता है कोर्ट, कहेगा ए बी को हटाओ और सी और डी को लेकर आओ, तो कोर्ट उनको सब्स्टिट्यूट कर सकता है उनके प्लेस पे किसी दूसरे पर्सन को जिसका सेम इंटरेस्ट हो। सब रूल सिक्स कहता है कि अ डिक्री पास्ड इन सूट अंडर दिस रूल शैल बी बाइंडिंग, अब क्या हुआ कि डिक्री आ गई ए एंड बी एंड अदर्स 50 अदर्स, इसमें डिक्री आ गई, अब इसमें से 40 लोग तो एग्री होंगे, 10 बोल रहे हम एग्री नहीं होंगे, भैया सबके ऊपर बाइंडिंग होगी, आप उसको मना नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर पर्सन हु शू और आर शूड और डिफेंड हैव द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, इट इज नॉट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश दैट सच पर्सन हैव द सेम कॉज ऑफ एक्शन एज द पर्सन ऑन हुज बिहाफ और ऑन हुज बेनिफिट ही शू और शूड और डिफेंड द सूट, भैया जरूरी नहीं कि कॉज ऑफ एक्शन सेम हो बट इंटरेस्ट सेम हो सकता है। फिर आपका आ गया 8A, अब 8A भी कब इंसर्ट हुआ, 1976 के अमेंडमेंट से, 1 February 1977 से एप्लीकेबल हुआ। 8A कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, अब कुछ कोई व्यक्ति या किसी व्यक्तियों का समूह, कोई संस्था लगा लो, कहीं भी कुछ ऐसा एनजीओ है, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है रिप्रेजेंटेटिव सूट में, अपना ओपिनियन देना चाहता है कि साहब मैं इसमें ना ओपिनियन देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का राइट इन्वॉल्व है, तो वहां पे जब ऐसा कोई सूट ट्राई हो रहा है कोर्ट में, कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो उनको अलाउ कर दे जो इंटरेस्टेड है क्वेश्चन ऑफ लॉ में, ठीक है, जो डायरेक्टली सब्सटेंशियल इशू है कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, तो तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो, ओपिनियन के लिए अलाउ कर दे। तो 8A क्या इंपॉर्टेंट है, कब इंसर्ट हुआ, कब से इफेक्टिव हुआ, कौन यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है अपना ओपिनियन देने के लिए, इसको एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन
the most important star question. Rule 9. Order 1 में नोट कर लो. Rule 8, Rule 9, Rule 11 and 13. ये आपके most important rules में आते हैं. फिर मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर क्या होता है? कि आपने गलत आदमी को पार्टी ज्वाइन करवा दी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के तौर पे, या आपने जिसको कराना उसको कराया ही नहीं, तो सिर्फ इस बात के आधार पे आपके मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता. लेकिन ये रूल जो है नेसेसरी पार्टी पे एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, आप इसको 99 के साथ पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा. नेसेसरी पार्टी मैंने आपको बताया कि जिसके बिना जजमेंट दी ही नहीं जा सकता. भैया जिसको जजमेंट देनी थी, रिलीफ देना था, उसी को नहीं ऐड किए हो तो कैसे चलेगा? इट्स नॉट पॉसिबल. सो सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, आप गलत आदमी के नाम पे वो हो गया, मैं गलत हूँ, मुझे कोई बनता ही नहीं मेरा राइट, पर मैं तो क्यों पहुंच गया हूँ. तो जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हो गया है रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम पे, या कोर्ट को डाउटफुल लगता है कि ये बंदा राइट प्लेंटिफ नहीं है, कोर्ट क्या कर सकता है? अपनी बोनाफाइड मिस्टेक जो है उसने की है ना, उसमें एक नेसेसरी डिटरमिनेशन दे सकता है, डिसाइड करेगा कि रियल मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, और वहां पे वो किसी दूसरे व्यक्ति को प्लेंटिफ के तौर पे ऐड कर देगा. इसके अलावा मान लो ए बी वर्सेस सी था, अब कोर्ट को लगता है कि भैया इसमें जेड जो है वो भी प्लेंटिफ होना चाहिए, या बी प्लेंटिफ नहीं होना चाहिए, यानी कोर्ट कभी भी पार्टी को ऐड कर सकता है, स्ट्राइक आउट कर सकता है. ठीक है, अब यहां पे लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा, कोई भी व्यक्ति जब तक ऐड नहीं होगा, बीज माइनर है, माइनर के लिए यहां से भी आपका एमसीक्यू बनता है कि माइनर के लिए आपको नेक्स्ट ऑफ फ्रेंड चाहिए, नेक्स्ट फ्रेंड के अलावा आप उसको नहीं कर सकते. ठीक है, उसकी कंसेंट चाहिए ही चाहिए यहाँ पे. अब मान लो जहां पे डिफेंडेंट ऐड हुआ, तो भैया प्लेंट भी अमेंड होगा, समन भी दोबारा भेजे जाएंगे, प्लेंट की कॉपी दोबारा भेजी जाएगी. ये आपका सब रूल 4 कहता है, 10A. अब मान लीजिए लीगल एड आपने पढ़ा है, एक वर्ड लीगल एड, लीगल एड कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, सीआरपीसी में भी दिया गया है, सेक्शन 301 आपने पढ़ा है. तो यहां पर भी मान लो किसी के पास प्लेडर नहीं है, तो कोर्ट किसी को भी बोल सकता है कि भाई उसका कोर्ट के पैनल पे एडवोकेट्स होते हैं. कंडक्ट ऑफ सूट में क्या है, यहां पर पार्टी नहीं मिल रही है राइट के लिए, तो कोर्ट किसी भी पार्टी को बोल सकता है कि यार तुम डिसाइड कर लो. 12 कहता है कि जहां पे अपीयरेंस ऑफ वन और सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट फॉर अदर्स, अब इसको 8 के साथ कंफ्यूज नहीं होना है. अब जहां पे एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, वो सारे तो सारे प्लेंटिफ बट वो दूसरों को कह सकते कि भाई हम तुम्हें दे रहे हैं अथॉरिटी, हमारी जगह तुम होते रहो. ये रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं है. या 3 लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारा प्रधान मिस्टर ए है, बी और सी नहीं आ पाएंगे, वो एफिडेविट दे दिए, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिए उसको, तो भैया ये वो वाली बात है, रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं है. अगेन डबल स्टार क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर. हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्शन करना है, चाहे ज्यूरिसडिक्शन को लेकर हो, चाहे मिस ज्वाइंडर को लेकर हो, नॉन ज्वाइंडर को लेकर हो, ये आपका एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए. और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी किसको माना गया है? या तो जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है ऑर्डर 14 की, या तो उस टाइम पे या उससे पहले, उसके बाद नहीं. ठीक है, तो उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा. ये आपका ऑर्डर 1 था, इसको और डिटेल में हम कल पढ़ेंगे. आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी. कल आपको दोबारा मिलते हैं इसी टाइम पे विद रिवीजन ऑफ ऑर्डर 1 एंड स्टार्टिंग ऑफ ऑर्डर 2. सो गाइज, गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ. गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ.